करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिवसेना के शिंदे गुट में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद मिलिंद देवड़ा को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। उन्होंने देवड़ा को शॉल और शिवसेना का झंडा देकर पार्टी में उनका स्वागत किया। सुबह ही मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई कि शिवसेना के शिंदे गुट का ये दामन थामने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका आप मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा है वो एक एक करके बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट जो है उसका साथ दिया है किसने, मिलिंद देवड़ा ने, जो कि अभी तक महाराष्ट्र के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरा के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन मिलिंद देवड़ा भी लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका पाला बदलना बहुत सारे संकेत दे रहा है और ये भी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। भले ही कितनी भी न्याय यात्रा निकाल ली जाए या कदम आगे बढ़ाए जाए, लेकिन अगर पार्टी में चेहरे नहीं है तो फिर आपका जनाधार सिमटते जाएगा। यही होता है अमूमन चुनावी राजनीति में भी और ऐसे सियासत में भी। श्रेया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, मिलिंद देवड़ा के पाला बदलने से शिंदे गुट कितना मजबूत होगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर होगी? देखिए, मिलिंद देवड़ा जो है वो कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, तो साफ तौर पर शिंदे गुट में उनके शामिल होने पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा युवा चेहरे जो है वो कांग्रेस के वो भी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। और देखिए, हम आपको बता दें, मिलिंद देवड़ा ही नहीं, उनके साथ 10 नगर सेवक और कई सारे पार्षद जो है कांग्रेस के वो भी आज शिंदे गुट में शामिल हुए। और इन सारे लोगों को खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल किया। हम आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा जो है 55 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनका नाता जो है कांग्रेस के साथ काफी लंबा रहा है। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो जो है वो कांग्रेस का हाथ जो है वो छोड़ेंगे। तो इसके बाद से खबरें लगातार आ रही थी कि वो जो है वो शिंदे गुट शामिल होने वाले। ऐसे में इस वक्त जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जहाँ बंगलों पर जो है वो मिलिंद देवड़ा को जो है शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल किया गया, जिसमें 10 नगर सेवक और कई सारे पार्षद जो है कांग्रेस के वो भी आज शिंदे गुट में शामिल हुए। और ऐसे में अभी महाराष्ट्र में हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक जो है वो लगातार राहुल गांधी की काफी ज्यादा करीबी है। भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया है। अभी ऐसा मामला है जिसकी चर्चा आने वाले वक्त में भी होगी, हम फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।